तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है इन फिगर पी क्यू एंड क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इफ क्यू पी आर इक्वल टू 46 डिग्री, देन हमने फाइंड करना है एंगल क्यू ओ आर। तो क्यू ओ आर बेसिकली ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है जो ये हमारा सेंटर पे बन रहा है। तो डायग्राम हमको दे रखा है, काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्त, यहाँ पे देखो, जो भी हमारा टेंजेंट होता है, ये पी आर एक टेंजेंट है और इसको हमने रेडियस के थ्रू सेंटर से कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री। क्योंकि जो भी हमारा टेंजेंट रहता है उसको अगर हम रेडियस से कनेक्ट करें सेंटर से, तो वो हमारा एंगल बनाएगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। ये एंगल हो गया 90 डिग्री और ये भी एंगल हो गया 90 डिग्री। और यहाँ पे जो ये हमारा बन रहा है ना, ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो हमारा सम होगा वो कितना होगा? 360। तो आई होप आपको अभी पकड़ में आ गया होगा। तो इसमें एक एंगल बन रहा है हमारा 90 डिग्री, है ना, एक और 90 बन रहा है ऊपर, और एक एंगल हमको ये वाला मिल रहा है क्यू ओ आर जो हमने फाइंड करना है, एंगल क्यू ओ आर, और प्लस एक एंगल हमारा बन रहा है 46। और ये सबका सम कितना हो जाएगा हमारा? 360 डिग्री। क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे हमारा फॉर्म हो रहा है जो ओ आर पी क्यू है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन अ क्वाड्रिलेटरल ओ आर पी क्यू। तो अभी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम मैंने 360 पकड़ लिया। अब इसको इधर ले जाओ, 90 प्लस 90 180, उसमें से सबट्रैक्ट हो गया 180 बना लेगा, और इसमें से भी हम 46 को सबट्रैक्ट कर देंगे, है ना। यहाँ से हमारा एंगल निकल जाएगा क्यू ओ आर, तो कितना आ रहा है यहाँ से? 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 4 गया 3, और ये 134 डिग्री यहाँ से हमको मिल रहा है जो हमारा एंगल क्यू ओ आर आ रहा है। तो काफ़ी आसान था, आई होप आपको पकड़ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में।